राहुल गांधी के विदेश में चीन की तारीफ करने और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी को चीन का ब्रांड एम्बेसडर बताया। राहुल गांधी द्वारा विदेश में चीन की तारीफ करने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी चीन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमारा सौभाग्य है कि दुनिया हमसे हमारे नेतृत्व की अपेक्षा कर रही है, लेकिन इस समय भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेश में जाकर भारत को बदनाम करना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, भारत का अपमान भी है। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, ये भारत का अपमान है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी पहली बार नहीं, जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं किसी न किसी रूप में भारत को बदनाम करने का ही प्रयास करते हैं, ये कांग्रेस के खून में या इस गांधी परिवार के खून में भारत के खिलाफ जो जींस हैं वो उजागर होते हैं। और कभी कभी मैं देखता हूं कि जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं वो भारत को बदनाम करते हैं, चीन की वो हमेशा प्रशंसा करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये चीन के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।